बालाघाट राजस्व अमले ने की बिना अनुमति बंद रही दुकानों की जांच पड़ताल। नोटिस व जांच के नाम पर लगातार कार्रवाई करने से बच रहे जिम्मेदार। खबर बालाघाट वाला सिडनी से है, जहां नगर पालिका व राजस्व विभाग की भूमि पर कब्जे के मामले को लेकर भूमाफियाओं व प्रशासन के बीच आंख मिचोली का खेल चल रहा है। नगर में भूमाफिया लगातार शासकीय राजस्व भूमि व नगर पालिका की लीज की भूमि पर अवैधानिक रूप से निर्बाध गति से पक्का निर्माण कार्य कर पुख्ता कब्जा कर रहे हैं। वहीं पालिका के जिम्मेदार अधिकारी हमेशा की तरह मात्र नोटिस भेजकर अपने कर्तव्यों की खानापूर्ति करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग तो पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। राजस्व विभाग को अपनी कीमती भूमि को सुरक्षित रखने की कोई चिंता ही नहीं है। यही वजह है कि नगर के प्रमुख स्थलों के भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कच्चा व पक्का निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है। अंदर करिए भैया। इस संबंध में जब समाचार पत्रों में लगातार समाचारों का प्रकाशन किया गया, तो आखिरकार मजबूरी वश मंगलवार को एक बार फिर नगर पालिका परिषद वाला सिडनी और स्थानीय प्रशासन ने जांच के नाम पर मात्र खानापूर्ति की कार्रवाई पूरी की है। लेकिन उसके बाद भी अवैध रूप से निर्माण करने वालों पर रोक लगाने में दोनों ही पूरी तरह से असफल ही साबित हुए थे। राजस्व निरीक्षक नगर पालिका वाराणसी में सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये क्या है, दुकानदारों लीजदारी द्वारा क्या है, रोड पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं, उनको चेतावनी दी जा रही है कि अपना सामान अंदर करिए, जिससे आवागमन बाधित ना हो और सही से व्यवस्था चलती रहे। भी नहीं किया जाता है इनके द्वारा अतिक्रमण, तो अगर अतिक्रमण नहीं हटाते लोग तो जेसीबी से मतलब हटा दिया जाएगा। सर, ऐसी जानकारी लग रही है कि जो लीजदारी द्वारा जो अति पक्का निर्माण किया गया उसको तो नगर पालिका प्रशासन जा रहा है, क्या सही है? नहीं नहीं, अभी उसको चेतावनी के तौर पर नोटिस दे रहे हैं, उनके काम भी बंद है, मतलब काम बंद है उनके। सर, कार्य तो चालू है, कितने बार नोटिस दी? हाँ, उनको चेतावनी दी गई है। कितने दिनों के अंदर अगर से ये हटाएंगे नहीं रोड से अपना अतिक्रमण, तो ये बस 24 घंटे के अंदर अगर नहीं हटाते तो कार्रवाई की जाएगी नगर पालिका द्वारा।